हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सो कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। और एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे। तो मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर रितेश, और आज है 7 अगस्त। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, डेली इस क्लास में हम लोग झारखंड के करेंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। तो आज है 7 अगस्त, और 7 अगस्त तक झारखंड के जो भी करंट अफेयर्स बने हैं, उन करंट अफेयर्स के बारे में आज के इस क्लास में प्रॉपर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। यह क्लास रोजाना होती है, और इस क्लास में हम लोग ना केवल झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं, बल्कि झारखंड के स्टैटिक जीके और झारखंड के जीके को भी करंट अफेयर्स के साथ रिलेट करते हुए देखते हैं, और प्रॉपर मैपिंग के जरिए हम लोग इस क्लास को करते हैं, ताकि आपको झारखंड के करंट अफेयर्स बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। और इस क्लास के माध्यम से कहीं ना कहीं हम लोग ये पता करने की कोशिश करते हैं कि झारखंड में क्या कुछ हो रहा है, झारखंड में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास के पीडीएफ के बारे में भी बात करते हैं। तो इस क्लास का पीडीएफ जो है, आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, और डेली टेलीग्राम पे विजिट करके आप सभी क्लासेस के पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो आप उस लिंक के थ्रू आसानी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। झारखंड एजुकेशन हब के नाम से ही आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और अगर आपको नेशनल और इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स चाहिए, तो उसके लिए आप हमारे सेकेंड चैनल को ज्वाइन कर ले, ठीक है। सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा। एसएससी टाइम्स के नाम से आपको चैनल मिलेगा, और उस चैनल पे डेली नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स होते हैं। इस क्लास की बात करेंगे, तो ये क्लास झारखंड के सभी एग्जामों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। आप झारखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आज के इस क्लास का सिनेरियो क्या रहने वाला है। आज के इस क्लास में हम लोग किन किन करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे, वो कौन कौन से करंट अफेयर्स है जिसके बारे में आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे। तो आज के इस क्लास में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पीएम मोदी के द्वारा अमृत भारत स्टेशन स्कीम को कल यानी 6 अगस्त को लॉन्च किया गया है, उद्घाटन किया गया है। और अमृत भारत स्टेशन की बात करेंगे, तो अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत देश भर के 1309 स्टेशन को डेवलप किया जाएगा, जिसमें पहले फेज में 508 स्टेशन को डेवलप किया जाएगा, रीडेवलपमेंट होगा। और उस 508 में से झारखंड के भी 20 स्टेशन का रीडेवलपमेंट जो है अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत किया जाएगा। तो क्या चीजें हैं, क्या सुर्खियां निकलकर सामने आती है, आज के इस क्लास में प्रॉपर डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग आज के क्लास में बात करेंगे, झारखंड विधानसभा में एक विधेयक जो है वो पारित हुआ है, झारखंड प्रतियोगी परीक्षा विधेयक। अब ये झारखंड प्रतियोगी परीक्षा विधेयक क्या है, झारखंड विधानसभा में इसे क्यों पास किया गया है, और इसका हमें लाभ और लॉस क्या होने वाला है, इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो झारखंड विधानसभा में जो विधेयक पास हुआ है, जो विधेयक पारित किया गया है, झारखंड प्रतियोगी परीक्षा विधेयक 2023, इसके बारे में आज के इस क्लास में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि झारखंड के रांची स्थित मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सुब्रतो कप का आयोजन किया जाएगा। तो क्या है सुब्रतो कप, कहां पे इसका आयोजन होगा, कब इसका आयोजन होगा, इसके बारे में भी आज के इस क्लास में प्रॉपर डिटेल में बात करेंगे, और सभी चीजों के बारे में अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के नाम पर बोकारो जिले में एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा। तो क्या कुछ खास होगा इस मेडिकल कॉलेज में, कब तक इसका निर्माण किया जाएगा, इसके बारे में भी आज के इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। और फिर हम लोग देखेंगे कि झारखंड में झारखंड आदिवासी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। तो झारखंड आदिवासी महोत्सव की बात करेंगे, कब इसका आयोजन किया जाएगा, क्यों इसका आयोजन किया जाएगा, इसके आयोजन करने के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इन सब चीजों के बारे में आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं। यानी आपको ओवरऑल एक आइडिया हो गया होगा कि आज के इस क्लास का सिनेरियो क्या रहने वाला है, आज के इस क्लास में हम लोग किन किन करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं, और झारखंड के वो कौन कौन से करंट अफेयर्स है जिसके बारे में आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्लास को शुरू करते हैं, और आज का पहला करंट अफेयर देखते हैं। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत झारखंड के कितने स्टेशन का रीडेवलपमेंट किया जाएगा, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। लेकिन
सबसे पहले बात करते हैं अमृत भारत स्टेशन स्कीम की। अमृत भारत स्टेशन स्कीम कौन सी स्कीम है? तो भारत सरकार के द्वारा एक स्कीम, एक योजना लाई गई है। क्या है ये योजना? तो इस योजना का नाम है अमृत भारत स्टेशन स्कीम, अमृत भारत स्टेशन योजना। इस योजना के थ्रू क्या किया जाएगा? तो इस योजना के थ्रू भारत के छोटे बड़े जो स्टेशन है जिसका रीडेवलपमेंट होना जरूरी है, यानी जो ज्यादा विकसित नहीं है, ठीक है, वैसे स्टेशन जो ज्यादा विकसित नहीं है उन स्टेशन का विकास किया जाएगा, उन स्टेशन का रीडेवलपमेंट किया जाएगा। अगर भारत की बात करेंगे तो देश के 1309 स्टेशन का रीडेवलपमेंट किया जाएगा, पूरे देश के 1309 स्टेशन का रीडेवलपमेंट किया जाएगा भारत सरकार के द्वारा। इसके पहले फेज में 508 स्टेशन को चुना गया है, पहले फेज में, यानी 1309 को एक बार में तो नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसको अलग अलग फेज में किया जाएगा। पहले फेज में 1309 में से 508 स्टेशन का रीडेवलपमेंट किया जाएगा। अगर हम लोग बात करेंगे झारखंड की, तो 1309 स्टेशन में झारखंड के 57 स्टेशन का चयन किया गया, 57 स्टेशन का, 1309 में से झारखंड के 57 स्टेशन का चयन किया गया। लेकिन बात करेंगे पहले फेज की, तो पहले फेज में तो 1309 स्टेशन का रीडेवलपमेंट नहीं हो रहा है, पहले फेज में हो रहा है 508 स्टेशन का रीडेवलपमेंट। तो इन 508 में से झारखंड के 20 स्टेशन है, कितने हैं? झारखंड के 20 स्टेशन, यानी झारखंड के टोटल जो है 57 स्टेशन का रीडेवलपमेंट होगा, जिसमें से पहले फेज में झारखंड के 20 स्टेशन का रीडेवलपमेंट होगा। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हैं। तो एक बार आप लोग क्वेश्चन को देख लें, क्वेश्चन को पढ़ लें क्या क्वेश्चन कह रहा है, और उसके आंसर को भी देख लें, और अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अभी आपको क्या बताया गया? ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या बताया गया? अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत देश भर के 1309 स्टेशन का रीडेवलपमेंट होगा, जिसमें से पहले फेज में 508 स्टेशन का रीडेवलपमेंट होगा, झारखंड के टोटल 57 स्टेशन का रीडेवलपमेंट होगा, जिसमें पहले फेज में 20 स्टेशन को चुना गया है। ये कौन से स्टेशन है? ये अल्प विकसित स्टेशन है जिसका विकास जो है बहुत ही कम हुआ है, जैसे रांची स्टेशन, नहीं, रांची स्टेशन का विकास बहुत अधिक हुआ है, तो रांची स्टेशन का रीडेवलपमेंट अभी नहीं किया जाएगा। रांची स्टेशन का रीडेवलपमेंट किया जाएगा लेकिन इस स्कीम के तहत नहीं किया जाएगा। धनबाद स्टेशन, धनबाद स्टेशन का भी बहुत डेवलप हुआ है, धनबाद स्टेशन को भी हम लोग इस अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत नहीं मानेंगे। तो झारखंड के कौन कौन से 20 स्टेशन है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। सबसे पहले आप देखिए कि अमृत भारत स्टेशन स्कीम जो है इसके तहत झारखंड के 20 स्टेशन का रीडेवलपमेंट किया जाएगा, देश भर के 1309 स्टेशन का रीडेवलपमेंट किया जाएगा, जिसमें से 57 स्टेशन झारखंड के शामिल है। इसके पहले फेज में 508 रेलवे स्टेशन को चुना गया है, जिसमें से झारखंड के 20 रेलवे स्टेशन है पहले फेज में। तो सभी चीजों को आई होप सो कि समझ गए होंगे। टोटल 1309 है जिसमें से 57 झारखंड के है, पहले फेज में 508 है जिसमें से 20 जो है वो झारखंड के है, और इसका जो उद्घाटन है कब किया गया है? इसका उद्घाटन कल यानी 6 अगस्त को किया गया है। किनके द्वारा किया गया है? तो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है, ठीक है। तो अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत भारत के जो स्टेशन है उसे डेवलप किया जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं टोटल जो है पहले फेज में 508 रेलवे स्टेशन को रीडेवलपमेंट किया जाएगा, जिसका उद्घाटन जो है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कल किया गया है। और इन 508 में से आप देख सकते हैं, इन 508 में से झारखंड के कितने स्टेशन है? तो झारखंड के टोटल 20 स्टेशन है। झारखंड के टोटल कितने स्टेशन है? तो झारखंड के अगर स्टेशनों की बात करेंगे तो झारखंड के टोटल जो है 20 स्टेशन है। आप यहां पे देख पाएंगे, यहां पे आपको सभी स्टेशन के नाम जो है वो दिए हुए हैं। तो आप देखें कौन कौन से स्टेशन है। अगर झारखंड के स्टेशनों की बात करें तो बरकाकाना स्टेशन है, बोकारो स्टील सिटी स्टेशन है, चंद्रपुरा स्टेशन है, ठीक है, डाल्टनगंज है, गढ़वा रोड है, गढ़वा टाउन स्टेशन, घाटशिला स्टेशन, हटिया स्टेशन, हजारीबाग रोड स्टेशन, कतरासगढ़ स्टेशन, कोडरमा स्टेशन, कुमारडुबी स्टेशन, लातेहार स्टेशन, मनोहरपुर स्टेशन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो स्टेशन,
नगर उटारी स्टेशन, पारसनाथ स्टेशन रांची में है, पिस्का स्टेशन, राजखरसावा स्टेशन और साहेबगंज स्टेशन। तो ये टोटल जो है 20 स्टेशन है जिसका मैंने अभी आपके सामने नाम लिया। तो इन 20 स्टेशन का रीडेवलपमेंट जो है वो किया जाएगा, झारखंड के टोटल 20 स्टेशन है, ठीक है। तो आई होप सो कि पहला करंट अफेयर आपको क्लियर हो गया होगा। आइए आगे बढ़ाते हैं क्लास को। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा उस राज्य की विधानसभा में प्रतियोगी परीक्षा विधेयक को पारित किया गया है? तो अभी आपको बताया गया कि झारखंड विधानसभा में झारखंड सरकार के द्वारा प्रतियोगी परीक्षा विधेयक को पारित किया गया है। अभी आप लोग देखे होंगे कि झारखंड विधानसभा में मॉनसून सेशन का आयोजन किया गया था 28 जुलाई में। इस मॉनसून सेशन में झारखंड का जो पहला अनुपूरक बजट है वो भी पेश किया गया और उसके बारे में भी आपको बताया गया। तो अब जो है झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड विधानसभा में प्रतियोगी परीक्षा विधेयक पारित किया गया है। और ये जो प्रतियोगी परीक्षा विधेयक क्यों पारित किया गया है, तो आने वाले झारखंड के जो एग्जाम होंगे, चाहे जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल की बात करें, चाहे जेएसएससी सीजीएल की बात करें या फिर किसी अदर एग्जाम की बात करेंगे, तो उन एग्जामों के लिए ही, उन कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए, उन कॉम्पिटिशन एग्जामों के लिए ही इस विधेयक को पारित किया गया है, झारखंड प्रतियोगी परीक्षा विधेयक। तो कौन से राज्य के द्वारा? झारखंड के द्वारा। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, झारखंड, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि सर झारखंड सरकार के द्वारा क्यों झारखंड प्रतियोगी परीक्षा विधेयक को पारित किया गया है, इस विधेयक को पारित करने के पीछे का उद्देश्य क्या है। इस विधेयक को पारित करने के पीछे का उद्देश्य है कि जो भी एग्जाम होते थे झारखंड में अब तक, उसमें धांधलेबाजी बहुत होती थी, नकल बहुत होती थी, चोरी बहुत होती थी, दूसरी चीज पैसे देकर नौकरी जो है बहुत लोगों को मिल जाता था। क्या होता था? पैसे देकर नौकरी बहुत लोगों को मिल जाता है। जैसे वैसे मान लेते हैं कि आप जो है एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट है, आप अच्छा पढ़ते हैं, आपकी रैंक अच्छी आती है, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, तो उस सीट के लिए जो पैसा देता था उसका हो जाता था, यानी पैसे देकर जॉब जो है लिया जा सकता था। जैसे बिहार में होता है, बिहार में तो अभी भी होता है, अगर बिहार की बात करें, बिहार में अभी भी पैसे देकर जॉब मिल जाती है। तो झारखंड के एग्जामों में भी धांधलेबाजी देखने को मिली है। साथ ही साथ झारखंड के एग्जामों का जो क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर पहले ही लीक हो जाता था, ठीक है, क्वेश्चन का पैटर्न पहले ही लोगों को बता दिया जाता था। तो पैसा लेकर जो है बहुत धांधलेबाजी होती थी, एक तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं। तो झारखंड सरकार के द्वारा इस बार ये प्रयास किया गया है कि ये धांधलेबाजी जो है वो ना हो, जो सही कैंडिडेट है उसको नौकरी मिले। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो पढ़ता है, सीरियस है, एकदम सीरियस एस्पिरेंट है, तो उसको नौकरी मिलनी चाहिए। ये जो है इस बार प्रयास किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा, यानी झारखंड सरकार ने ये प्रयास किया है कि धांधलेबाजी जो है इस बार ना हो। धांधलेबाजी ना हो तो इस विधेयक में क्या कुछ खास है? इस विधेयक में सजा का प्रावधान किया गया, सजा का। अगर आप एग्जाम में चोरी करते हैं या फिर आपको किसी के द्वारा एग्जाम में चोरी करवाया जाता है, तो पहली बार अगर आप पकड़े गए हैं तो आपको 1 साल की सजा और लगभग 3 से 5 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। अगर आपको दूसरी बार चोरी करते हुए पकड़ लिया जाता है तो आपको 5 लाख तक का जुर्माना और 3 साल तक की सजा, ठीक है, 5 लाख का जुर्माना। पहली बार में 1 लाख का जुर्माना और 1 साल का जुर्माना और 3 से 5 लाख तक का क्या होगा मिलेगा आपको, तो पैसे भरने पड़ेंगे जुर्माना। 1 साल की सजा, 3 से 5 लाख का जुर्माना। दूसरी बार में 3 साल की सजा और लगभग 5 से 10 लाख तक की जो है जुर्माना आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको किसी न्यायालय यानी किसी कोर्ट के द्वारा सजा दे दी जाती है कि नहीं आप जो है दोषी पाए गए हैं, आप एग्जाम में चोरी कर रहे थे, तो या फिर आप एग्जाम में चोरी करवा रहे थे, तो आपको 10 साल तक झारखंड के किसी भी एग्जाम में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर आप पेपर लीक करवाते हैं, एग्जाम के बारे में गलत इंफॉर्मेशन फैलाते हैं, तो आपको 1 करोड़ तक का जुर्माना और 10 साल तक की सजा जो है वो मिलेगी। तो सजा का प्रावधान बहुत ही अच्छा किया गया है। तो आप देख सकते हैं झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड विधानसभा में प्रतियोगी परीक्षा
में नकल और चोरी को रोकने के लिए झारखंड प्रतियोगी परीक्षा विधेयक को पारित किया गया है। इसमें पहली बार चोरी करने पर 1 साल की सजा और लगभग 3 से 5 लाख रुपए का जुर्माना, दूसरी बार पकड़ने पर 3 साल की सजा और लगभग 5 से 10 लाख रुपए का जुर्माना जो है आपको भरना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर किसी कोर्ट के द्वारा आपको दोषी ठहरा दिया जाता है कि आप सजा के लायक है, तो आपको झारखंड के किसी भी एग्जाम में 10 वर्ष तक कोई भी एग्जाम देने नहीं मिलेगा, कोई भी एग्जाम में बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी। आप पेपर लीक करवाते हैं, आप एग्जाम के बारे में गलत इंफॉर्मेशन फैलाते हैं, तो आपको 1 करोड़ तक का जुर्माना और 10 साल तक की सजा जो है वो मिलेगी। ठीक है, तो झारखंड में अब जो है नकल जो भी करने वाले हैं उनके ऊपर झारखंड सरकार ने क्या किया है, बहुत ही अच्छा कदम लिया है। और एक तरीके से अगर हम लोग कहें कि झारखंड में धांधलेबाजी जो होती है उस धांधलेबाजी को रोकने के लिए झारखंड सरकार ने थोड़ा प्रयास किया है। अब धांधलेबाजी कितनी रुकती है कितनी नहीं रुकती है वो तो एग्जाम के बाद हमें पता चलेगा, लेकिन झारखंड सरकार ने थोड़ा प्रयास किया है कि झारखंड में धांधलेबाजी जो है वो ना हो। बाकी आगे हम लोग देखेंगे झारखंड में सही कैंडिडेट को नौकरी मिलती है कि नहीं मिलती है। और आप लोगों से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आप लोग जो है अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आने वाले टाइम पे आपको नौकरी जो है वो मिल जाएगी। आने वाले टाइम पे बहुत ऐसी वैकेंसी जो है आपको देखने को मिलेगी। अभी भी झारखंड पुलिस की वैकेंसी नहीं आई है, तो झारखंड पुलिस की अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, तो आप लोग पढ़ाई कीजिए। चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में कब से रांची स्थित मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सुब्रतो कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। सुब्रतो कप फुटबॉल टूर्नामेंट की बात करेंगे तो इसका आयोजन जो है रांची के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया जाएगा। और कब से किया जाएगा, आज से किया जाएगा, आज यानी 7 अगस्त से किया जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रांची में है मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और इस मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सुब्रतो कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन आज से किया जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और एक बार आप लोग क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ने का कोशिश करें। तो रांची के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 7 अगस्त से यानी आज से सुब्रतो कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन जो है किया गया है। इसमें राज्य की 30 टीमें जो है वो हिस्सा लेगी। ठीक है, 30 टीमें हिस्सा लेगी। तो सुब्रतो कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन रांची के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आज से किया जा रहा है। ठीक है, चलिए मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, तो ये आप देख सकते हैं ये है मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और ये कहां पे है, तो ये रांची में है। चलिए आगे बात करते हैं। झारखंड के किस जिले में एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा जगन्नाथ महातो के नाम पर। तो झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ महातो के नाम पर झारखंड के किस जिले में एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा, तो बोकारो जिले में किया जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड के बोकारो जिले में एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा और इस मेडिकल कॉलेज का नाम जो है झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महातो के नाम पर रखा जाएगा। ठीक है, तो बोकारो जिले में एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा और इसका नाम जो है जगन्नाथ महातो के नाम पर रखा जाएगा, यानी जगन्नाथ महातो के नाम पर बोकारो जिले में एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा। तो इसके बारे में आप जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, जगन्नाथ महातो, तो ये है जगन्नाथ महातो और ये हमारे झारखंड के शिक्षा मंत्री थे। कुछ दिनों पहले ही इनका देहांत हो गया, इनकी मृत्यु हो गई है। तो आप लोगों को एक चीज बता दें, ये हमारे झारखंड के शिक्षा मंत्री थे, लेकिन अगर प्रेजेंट टाइम की बात करेंगे वर्तमान में हमारे झारखंड के शिक्षा मंत्री कौन है, तो हेमंत सोरेन जी वर्तमान में हमारे झारखंड के शिक्षा मंत्री हैं। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री भी हैं, हेमंत सोरेन जी झारखंड के गृह मंत्री भी हैं और हेमंत सोरेन जी झारखंड के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, शिक्षा मंत्री भी हैं और कई और सारे डिपार्टमेंट हैं जो हेमंत सोरेन के पास हैं। तो आप लोग ये कतई ना सोचे कि जगन्नाथ महातो की पत्नी जो है झारखंड की शिक्षा मंत्री है, जगन्नाथ महातो की पत्नी नहीं, हेमंत सोरेन जो है झारखंड के शिक्षा मंत्री हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं। चलिए, हाल ही में कब झारखंड आदिवासी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। देखिए, आपको इसके पहले भी बताया गया कि झारखंड आदिवासी महोत्सव का आयोजन जो है वो 9 और 10 नवंबर को किया जाएगा।
9 और 10 अगस्त को इसका आयोजन किया जाएगा, 9 अगस्त को इसकी शुरुआत की जाएगी, इसके पहले आपको बताया गया था। अब जो है झारखंड सरकार के द्वारा इसका जो पोस्टर है उस पोस्टर को भी लॉन्च कर दिया गया है, झारखंड सरकार ने इसका पोस्टर लॉन्च किया है, तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, 9 अगस्त को झारखंड आदिवासी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। दूसरा रीजन क्या है, आप बोलेंगे सर आखिर 9 अगस्त को ही झारखंड आदिवासी महोत्सव की शुरुआत क्यों की जा रही है, क्योंकि 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है, इसीलिए 9 और 10 अगस्त को झारखंड आदिवासी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। और इसका जो आयोजन है वो रांची के बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान में किया जाएगा, कहां पे किया जाएगा, रांची के बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान में इसका आयोजन किया जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है, झारखंड आदिवासी महोत्सव का आयोजन 9 और 10 अगस्त को, नवंबर हो सकता है कि मैंने बोल दिया हो, ठीक है, किया जाएगा बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान में, और इसमें ये सभी कार्यक्रम है जिसका आयोजन जो है वो किया जाएगा, ठीक है, इसमें बहुत सारे कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो 9 अगस्त को इसकी शुरुआत जो है वो की जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ करंट अफेयर्स थे जिसके बारे में आज के इस क्लास में हम लोग समझने का प्रयास किए, और आई होप सो कि आपको सभी करंट अफेयर्स जो है आसानी से समझ में आ गए होंगे। आज के इस क्लास में कुछ करंट अफेयर्स थे जिसके बारे में हम लोग समझे और सभी चीजों को डिटेल में देखने का प्रयास किए हैं। तो आई होप सो कि अभी तक हम लोग जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में बात किए वो सभी करंट अफेयर्स आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए चलते हैं, कल का जो क्लास हुआ था, कल के क्लास में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो क्वेश्चन कुछ यूं था कि हाल ही में झारखंड पुलिस के संतोष बोबुंगा ने किस देश में आयोजित वर्ल्ड पुलिस बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल को प्राप्त किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कनाडा। क्या होगा, कनाडा। कनाडा में आयोजित किया गया था वर्ल्ड पुलिस बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप, और इस वर्ल्ड पुलिस बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में झारखंड पुलिस के संतोष बोबुंगा जी ने 2 गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं, एक नहीं 2-2 गोल्ड मेडल जो है संतोष बोबुंगा जी ने प्राप्त किए हैं। तो ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, और आप सभी ने भी इसका बिल्कुल सही आंसर कमेंट करके बताया था, ठीक है। तो चलिए आज के लिए आपका क्वेश्चन देखते हैं। आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि झारखंड के किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर के द्वारा सबसे छोटा एंटीने का निर्माण जो है वो किया गया है, झारखंड के कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर के द्वारा सबसे छोटा एंटीना का निर्माण किया गया है। ऑप्शन ए बी सी या डी, इसका बिल्कुल जो भी सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे, साथ ही साथ उसके बारे में डिटेल में कमेंट करें, और उस प्रोफेसर का नाम क्या है एक बार आप लोग नाम भी कमेंट करके बता दें कि उस प्रोफेसर का नाम क्या है जिनके द्वारा सबसे छोटा एंटीना का निर्माण जो है वो किया गया है। यानी इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप लोग जितने भी टर्म्स जानते हैं उसके बारे में लिखने का प्रयास करें, और इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग मस्ट कमेंट करके आंसर दें, ठीक है। तो चलिए फिलहाल आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई होप सो कि आज का ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आज का ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करना ना भूले, और चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह 5 बजे इसी क्लास में झारखंड के कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, और झारखंड में क्या कुछ हो रहा है इसके बारे में भी समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, टेक केयर, बाय बाय।